अभी। हेलो। सो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी है? अच्छी है। क्या क्या सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किए? अभी तक इंग्लिश किए हैं, मैथ्स भी किया है और हिंदी भी किया है, लिटरेचर हिंदी। मतलब आपने किया तो सब कुछ है, पर कंप्लीट कौन सा जो आपको अच्छे से आता है? एकदम कंप्लीट। हाँ पूरी तरह, जिसमें अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा और बाकी पूरा। इंग्लिश लिटरेचर और मैथ्स का क्या हाल है? मैथ्स भी ठीक ही है। ठीक ही है, मतलब अच्छे से नहीं है? हैं? आज ही स्टार्ट किया। आज ही स्टार्ट? कैसे, पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट तो कर रहे थे। संस्कृत ग्रामर, मतलब क्लास में जो पढ़ाया गया आपने उसको ठीक से नहीं कर लिया तो रिवाइज करना पड़ता है, मैथ्स को लर्न करना पड़ता है। जो मैं रिवाइज तो करना पड़ता है। मुझे पता है आपने लास्ट टाइम क्या किया था, समझे? लास्ट टाइम पढ़ने को बोला था ना आपसे कि अभी पढ़ लो आपके पेपर है, और आपने क्या किया था, 3-4 घंटे तक सिर्फ उसको रीड किया था। तो प्रैक्टिस ही होती ना मैथ्स को, पर आपको तो नहीं पता था। हैं, आपको बताना पड़ता है। चलो फिर ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब मैं वो करूंगी डेक्लेमेशन, परसों ये मेरा डेक्लेमेशन, मैं तो बॉर्डर ही हुई हूँ। अच्छा, मुझे एक लाइन जरा सुना दो अपने इसके लिए, स्टार्टिंग के 4-5 लाइन सुना दो, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। हाँ वही सुना दो, ऐसी बैठ के, बैठ के खड़े होके नहीं, बैठ के। पल भर का मजा, जिंदगी भर की सजा, नशा, परम आदरणीय मुख्य अध्यापिका जी, आराधना पब्लिक स्कूल रोहडू, मुख्य अतिथि महोदया जी, अध्यापक गण, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अभि वर्मा, कक्षा 6 नाइटिंगेल सदन की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष भारत में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी गलतियों को माफ करेंगे। हमारे देश में धन्यवाद। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Next. देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कुछ पढ़ वढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रही हूँ। अगली वीडियो में बात करते हैं हम। ओके, बाय बाय।